जाने दो क्या है, क्या है यहाँ पर, कौन है, कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर। अरे कहाँ है, छिपकली से डर रही है, ये लो एकदम लप्पू है तू तो। अरे छिपकली ना कुछ नहीं करेगी। मामी जी आप तो यहाँ ऋषिका को ढूंढने के लिए आई थी, वो कहाँ है? अरे कैसे बताए हम सबको, ये छिपकली नहीं यही ऋषिका है। अरे अरे कुछ नहीं, अरे क्या है, डर रही, अरे डर नहीं डर नहीं। एक काम करते हम तुम्हें पानी पिला कर लाते, चलो। रुक जाओ, ये इंसानी गंध तो नहीं है। क्या हुआ पंडित जी? इस कमरे में जरूर कुछ अजीब है, इस कमरे में काली शक्तियां हावी हैं। और इस कमरे में जो रहता है वो ये। कितने पैसे मिले, कितने पैसे दिए इस लड़की ने ये सारी बकवास बोलने के लिए? ऋषिका के बारे में जो मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो वो सच साबित करने के लिए इस आदमी को यहाँ बुलाया है, क्यों? तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी चालबाजी हम कामयाब नहीं होने देंगे। निकलिए, चलिए। हम जानते हैं जब तक आप झेलेंगी नहीं तब तक आप मानेंगी नहीं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं इस घर पर शैतानी साया मंडरा रहा है जो एक ना एक दिन किसी की जान लेकर जाएगा। बोल लिया, अब जाइए। पंडित जी आप ऐसे मत जाइए। अब इस पंडित को तभी याद करना जब शैतानी शक्तियां चरम पर पहुंच जाएं, समझे? इस पंडित को वापस बुलाया ना तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, घर चलो। अरे बिंदा आओ, तुम्हें भी हम पानी पिलाते हैं। अरे आओ, अरे डरो नहीं, कुछ ना होगा। तेरा खून तेरी मौत का जिम्मेदार बनेगा सकू, आज हमारा मकसद पूरा होगा। तुम मेरी सच्चाई जान चुकी हो, अब क्या करें तुम्हारे साथ, मार दें? हमें पूरा यकीन है कि वो डायन ही थी। हमने सुना है जिसको डायन का असलियत का पता चल जाता है वो फिर जिंदा नहीं रहता। नहीं नहीं, हमें ये घर छोड़कर भगवान के घर अभी नहीं जाना। ऋषिका,
हमरा खून करने तो नहीं आ गई ना? पंडित जी ने जो पाउडर दिया था वो हमने जूस में मिला दिया है, आप पी लीजिए। पुरानी बातों से बाहर आओ गौरी, ये मुझे सिर्फ काम के स्ट्रेस से होगा और कुछ भी नहीं। पंडित जो बोल रहा है वो सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। आपको जूस पीना एक अंधविश्वास लग रहा है? हमारे कहने पर पी लीजिए, पर पी लीजिए। तुम मानोगी तो वो नहीं लाओ। तड़पने के लिए तैयार हो जा सको, अब तुम्हारी मौसी ही तुम्हारा अंत लिखेगी। हम बिंदा तुम हर बात पे डरने लगी हो, क्या बात है? बोल नहीं सकती हो, लिखकर बता सकती हो? बिंदा कुछ भी तो नहीं है वहां पर। क्या है बिंदा को, हर बात पे डरने लगी? खून की एक बूंद डालते ही हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हीका, सखू का खून खराब हो गया, इसीलिए सैतानी शक्ति हमारी आहुती स्वीकार नहीं कर रही। एक कौड़ी बहुरिया के बातों में वक्त बर्बाद ना करते तो आज सखू का खून ताजा होता और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए होते। इस पूजा के लिए अगली दशा अमावस्या तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारी बहुरिया ना तुम्हारे लिए वरदान है सकू, जो बार बार तुम्हें बचा देती है, पर हम भी छोटी माई है। तुम्हारे इस वरदान को अभिशाप बनाना हम अच्छे से जानते हैं। इस बार नहीं हुआ तो का हुआ, अगली दशा अमावस्या पर तोरे खून से कहानी लिखेंगे हम सकू। बाटों से कर्जी क्या करें आप?
पीछे में दर्द हो रहा है, छोड़िए। तू करवाएगी मुझसे पूजा? तू भगवाएगी भूत? चूड़िया में आप नहीं हो सकते। अब ये किसी काम की नहीं है, मार दो इसे, मार दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। सुहाग से लड़ाई करने में भगवान भी 10 बार सोचते। उस पत्नी के सुहाग को ललकारा है तुमने। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे ऋषिका, चाहे जो हो जाए। हम तुम्हारी सच्चाई जान कर रहेंगे। अपनी अच्छाई की रोशनी से हम तुम्हारी काली शक्तियों को चुनौती देंगे ऋषिका, तुम्हें जीतने नहीं देंगे। हमारे घर में ना एक नहीं दो दो डायन है, एक ऊ जिसने हमारी आवाज छीन ली और दूसरी ऊ जिसने पंडित जी को इस घर से भगा दिया। अब कैसे बताएंगे हम घर वालों को ऋषिका का असलियत? करते हैं, इसकी सारी काली करतूतों की वीडियो बना लेते हैं, फिर दीदी को इस डायन का असली रंग दिखाएंगे। हाँ।
पहले कि डायन अपने काले पाउडर से हमारी जिंदगी भी काला न करते, निकलते यहाँ से। गर्भ सो रहा है तो क्या? एक मिनट, ऋषिका कहाँ है? वो अपने कमरे में क्यों नहीं? ऋषिका कहाँ गई होगी? आखिर उस चुड़ैल ऋषिका ये वीडियो में दिखाई का ही नहीं दे रही है। बिंदा, तुम जाओ और अपने कमरे में सो जाओ, रात भर भटकती रहती हो ना, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। बिंदा, इस घर में सब पागल हो गए हैं। आज हम गर्भ जी को ऋषिका के कमरे से लेकर ही आएंगे। रात में छोटी माई तहखाने में क्यों जा रही है? ये कहाँ गया? आखिर क्या है इस तहखाने में जो छोटी माई हमें हर बार यही मिलती है? पिछली बार भी इन्होंने हमें अंदर आने से मना कर दिया था। छोटी माई, अंदर कौन है और आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? इस बार तो हम पता करके रहेंगे कि आखिर ऐसा है क्या। इसे तो इधर ही होना चाहिए था, कहाँ गायब हो गया? कहीं तहखाने का दरवाजा खुला तो ना रह गया? छोटी माई, आप फिर से यहां क्या कर रही हैं? होगा तो तुम हम पर हथौड़े से वार करोगे का? नहीं छोटी माई, वो तो हम बस ना कर दो। अरे हथौड़े से हमरे खोपड़े को तरबूजा बना दो ना। नहीं छोटी माई, ये तो हम किसी और वजह से लाए थे, पर आप ये खाने की थाली क्यों लेकर आई हैं यहाँ? आप हमसे कुछ छुपा रही हैं क्या? कहा है कि हम तुम्हें ये बात बताना जरूरी नहीं समझते। छोटी माई, इस घर में आपने हमेशा हमारा साथ दिया है। अगर आप किसी मुसीबत में हो और हम आपकी मदद ना कर पाए तो हमें बहुत बुरा लगेगा। आप बताइए ना क्या बात है?
क्या कोई राज है इस तहखाने में? राज रूस कुछ भी ना है, हम यहाँ पुस्तैनी विधि करने आए थे। और तुम ही तो कह रही थी ना कि घर में बुरी शक्तियों का साया है, तो हम सोचे कि हम भी कोशिश कर लें बुरी शक्तियों को भगाने की। और का पर खाने की थाली के साथ कैसी विधि? वो का है कि इस विधि में बुरी शक्तियों को पहले भोजन कराया जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है, और फिर आग्रह किया जाता है कि ये घर छोड़कर जाए। समझी? जी छोटी माई, बस आप ही हैं इस घर में जो हमारा यकीन करती हैं, जो हम पर इतना भरोसा दिखा रही हैं, वरना हमें तो लगा था कि हम अकेले पड़ जाएंगे। खुश रहो। अच्छा देखो, हम ऊपर जाते हैं और ई थाल ना हम यहाँ रख कर जाते हैं। ध्यान रहे कि ई जगह से इस थाल को हटाना मत। जी छोटी माई। हम चलते हैं। हाँ। ना जाने कहाँ चला गया है, उसे तो यही होना चाहिए। हालत में कहीं किसी ने देख लिया तो आप पता जाएगी कहां गया होगा। फिर आ गई पनौती, अगर ये एक कदम और आगे आई तो हमारा राज खुल जाएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.